ंग टू टॉक अबाउट सम अनकाउंटेबल औरट्स ओके एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स ठीक है इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी बना चुका हूँ बट ठीक है ये जो क्वेश्चन है ये आ, कुछ बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन है और इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे थोड़े बहुत समझ नहीं पाते कि कैसे उनको अप्रोच करना है दिस एंड दैट तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे देखिए ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये कलेक्शन ऑफ फंक्शन दे दिया गया है राइट right? ये कलेक्शन ऑफ फंक्शन है कहां से कहा जेड से जेड के बीच में जो एक पार्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है करेक्ट है एक कंडीशन को पार्टुलफाई कर रहा है कौन सा कंडीशन? टू पार्टुल्स ओके तो ये कलेक्शन रिलेशन को सेटिसफाई कर रहा है तो यहाँ से आप कैसे जज कर पाएंगे कि ये सेट क्या होगा और इस टाइप का सेट दिखेगा कैसा और क्या होगा फाइनाइट होगा एम्प्टी सेट होगा या काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल हो सकता है बिकॉज जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो जेड से जेड के बीच में जितने फंक्शन है वो है उसमें से जो इस टाइप के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसका कलेक्शन है तो आप लोग ने अगर देखा होगा जेड से जेड के बीच में टोटल फंक्शन इज अनकाउंटेबल उसमें से एक पार्टिकुलर इस टाइप का फंक्शन को लिया जा रहा है जो इस टाइप के रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो इनके बारे में आपका क्या विचार है वॉट यू कैन थिंक अबाउट दैम वॉट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट तो चलो इसके बारे में हम लोग सोचने का प्रयास करते हैं और कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करेंगे दैट्स विल सी एंड लुक है ना तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ अपना जो और वीडियो है उसको मैं म्यूट कर देता हूँ और ताकि मैं फुल्ली कंसेंट्रेट हो पाऊँ इस क्वेश्चन पे ओके चलो फिर तो इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ एवरी ठीक है और चलो तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन है आपके पास कि कंसिडर द कलेक्शन ठीक है कंसिडर द कलेक्शन ऑफ फंक्शन From Z to Z such that it satisfies this relation F of 2A plus 2 times FB and is equal to F acting on F of A plus B. And this should be true for all AB belongs to Z. So, what you can say about such collection? तो पहली बात क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो इस टाइप के रिलेशन को सेटिसफाई कर रहा है, इस का है, इस का है। जैसे मैं फंक्शन ले लूं पूरा का पूरा तो का पूरा जीरो क्या इस रिलेशन को सेटिसफाई कर रहा है ये भी, जीरो, ये भी जीरो और ये जीरो पे जीरो एक्ट करेगा तो जीरो तो आप देख लीजिए ये एफ जो है ये एक्स में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये एक्स जो है ये नॉन एम्प्टी है क्लियर हुआ तो ये नॉन एम तो है इस टाइप से दिखा तो जीरो प्लस जीरो बोल सकते हो हमें यहां से पता चला बट वॉट अबाउट दिस इट फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट काउंटेबल और अनकाउंटेबल वॉट यू कैन सी तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में तो कैसे अप्रोच करें तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस का बनाने का तरीका एंड आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक कैसे अप्रोच करें इस टाइप्स के प्रॉब्लम को ठीक है एवरी वन हाउ टू थिंक दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो चलिए देखते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे ओके okay. तो पहली बात जो रिलेशन है उस रिलेशन को लिख लीजिए कि एफ ऑफ टू ए प्लस टू टाइम्स एफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी ठीक है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट दिस so कोई भी ए और बी के लिए है अब आप का, क्या यहां पर काम कीजिए ए इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए आप पुट कीजिए ए इक्वल टू जीरो बी को रहने दीजिए बी को आप रहने दें तो क्या आएगा एफ जीरो प्लस टू टाइम्स एफ बी ओके एंड देन एफ एक्टिंग ऑन दिस ए का वैल्यू दिस इज जस्ट बी ओके So, F of FB equal to two times B. इसको कुछ नाम दे देते हैं वन ठीक है ओके okay. नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कुछ ए का वैल्यू कुछ स्पेशल टाइप का पुट करते हैं नेक्स्ट पुट करते हैं एक्वल टू वन देखिए क्या है? ये एफ ऑफ टू प्लस ये टू टाइम्स एफ बी राइट एंड दिस इज एफ ऑफ एफ ऑफ बी प्लस वन राइट अब एक आइडेंटिटी मुझे ऑलरेडी हम मिल चुका है कि एफ जब एफ ऑफ एफ बीज इक्वल टू दिस तो यहाँ पे F of, अब जो अंदर में जो वेरिएबल है वो बी प्लस वन है ठीक तो है सो तो so we'll so, आप देखो जब ये बी प्लस वन है ये एक आइडेंटिटी है देख रहे हो प्लस टू टाइम्स एफ बी इक्वल टू एफ ऑफ है ना ये ये जो अपना एक आइडेंटिटी है ठीक है एफ ऑफ एफ बीवल टू एफ जीरो प्लस टू टाइम्स एफ बी और यहाँ पे भी कुछ वैसे रिलेशन आ रहा है एफ ऑफ एफ ऑफ बी प्लस वन तो बी के जगह पर बी प्लस वन रिप्लेस कर दो तो ये चीजें आ जाएंगी क्योंकि तो ये कोई भी इंटीजर के लिए ट्रू है ध्यान दीजिएगा दिस इज ट्रू फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जेड तीन पार्टर बी प्लस वन के लिए ये रिलेशन आया तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें सब कुछ देख के तो टू अगर हम लोग कॉमन कर दें और इसको भी उधर ले आए तो ये equal, ये चीजें ये आ गई और उधर ये एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ जीरो से ये पोर्शन आ गया एफ ऑफ बी प्लस वन माइनस एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ जीरोड बाई ट्रू फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जेड क्लियर हुआ तो जितने भी इंटीजियर्स हैं उनके लिए एफ ऑफ बी प्लस वन माइनस एफ बी इज इक्वल टू दिस

for all b belongs to z so this means f is an arithmetic progression f is an ap right so ye jo function hai that mean that means the consecutive difference is constant that means f is in ap arithmetic progression that means jo function humne z to z liya jo us relation ko satisfy kar raha ka hai ये AP में और इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है वो कैसा दिखेगा एफ एक्स इक्वल टू सम एम एक्स प्लस एन Why why Z Z, जोमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ऐसा दिखेगा एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस एन ऐसा क्यों मैं आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूं तो अब ये जो मेरा फंक्शन का एक्सप्रेशन मिला एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस एन इसको मैं अपने Given, uh, uh, जो कंडीशन था वहां पुट करता हूँ और एम और एन निकालने का, uh, का कोशिश करूंगा कि कैसे निकलेगा एम ऑन सो कि एफ ऑफ टू एज इक्वल टू एफ ऑफ टू ए प्लस टू टाइम्स एफ बीज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी ये था फॉर ऑल ए बी तो अब फंक्शन तो मुझे पता चल गई एम एक्स प्लस एन के रूप में है तो यहाँ पे पुट करता हूँ उसको एक्स के जगह पे आ जाएगा टू ए सो एम टाइम्स टू एल सो एक्स के जगह पे टू ए आपने पुट कर दिया तो यहाँ से एन आ गया ध्यान से लिखिएगा टू एफ बी सो दिस इज एम बी प्लस एन और यहाँ से क्या आ जाएगा एक बार जब ये एक्ट होगा ए प्लस बी सो दिस इज एम टाइम्स ए प्लस बी प्लस एन और फिर से ये F जब एक्ट होगा तो ये फिर ये M times, अंदर का एवरी वन सो दिस इज जस्ट डेफिनेशन आई है तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर मैं कर लूँ तो अच्छा रहेगा या फिर चलो नेक्स्ट पेज uh, पे चलते हैं और इसको बढ़िया से देखते हैं सो so, मेरे को वो एक्सप्रेशन को मैं लिख लेता हूं सो so, ये एम टाइम्स टू ए प्लस एन था प्लस टू टाइम्स एन था और उधर से जो एक्सप्रेशन आया था वो एम टाइम्स राइट एम ऑफ ए प्लस बी प्लस एन प्लस एन था राइट है ना अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो इसको देखो ये अपना है ना ये इसको थोड़ा मिटाता हूँ मैं ठीक है इसको और अच्छे से देखो तो ये आप थोड़ा सा एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखो तो ये एम स्क्वायर पहले मैं इधर वाले को लिख रहा हूँ एम स्क्वायर ए प्लस बी ठीक है और फिर ये अपना प्लस ये अपना एम एन प्लस एन इजिक्वल टू इधर वाले एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ इस टाइप की चीजें इधर से क्या आ गई hmm. यहां से भी अगर आप m कॉमन करो सो so यहां से आ जाएगा टू एम ए प्लस बी यहाँ से एक्सप्रेशन ये एम टू ए से टू एम बी और प्लस ये थ्री एम सो न दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी belongs to z so this is like identity a plus b kwa a variable x mano so m square x plus something so it's like identity and you know that when identity is equal when their corresponding coefficients are equal so this imply m square equal to 2m and this constant term mn plus n equal to 3m okay everyone

तो यहाँ पर एम का वैल्यू जैसे टू पुट करोगे तो ये टू एन प्लस है ना तो, हाँ तो यहां से आपका आ जाएगा ठीक है तो आपके पास दो चॉइसेस आए तो एम का वैल्यू अगर जीरो है तो एन का भी वैल्यू जीरो होगा या फिर अगर एम की वैल्यू आपकी टू है तो उसमें एन जो होगा ये कोई भी एनी एनी जो भी आप सोचो यहाँ पे जो जो भी आपने दिया हुआ है कोई भी इंटीजर होगा एनी इंटीजर विल वर्क ओके दैट्स फाइन सो जो कलेक्शन था आपका इसका मतलब जो जो था पॉलोमिल्स आप ध्यान दीजिएगा सो so, दो चॉइसेस आपको मिले मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ आपको तो आपके पास दो चॉइसेस मिले एक तो या तो एम इक्वल टू एन इक्वल टू जीरो इस केस में जो आपका पोलोनोमिल होगा जो आप एक्स लिखोगे एम एक्स जीरो प्लस एन जीरो विच इज इक्वल टू जीरो और एक दूसरा केस जब एम का वैल्यू टू होगा और एन इज एन इन टीजर ऑन दैट केस योर एफ एक्स इज टू एक्स प्लस एन सो द कलेक्शन आपका जो आया द कलेक्शन इज नथिंग बट टू एक्स प्लस एन वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो

सो दिस इज काउंटेबल सो द गि क्वेश्चन वाज फॉल्स कि ये अनकाउंटेबल है कि नहीं फॉल्स है तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे चीजें हमने यूज करी यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत रिंग थ्योरी भी यूज किया समझ में तो थोड़ा बहुत कि दो दो पॉल कब बराबर होते हैं तो ये सब चीजों की समझदारी होना बहुत जरूरी है ठीक है क्वेश्चन आपसे नहीं बने या चीजें ना हो एक एक हद तक चलो ठीक है एक्सेप्टेबल है लेकिन अगर बेसिक चीजों में प्रॉब्लम हो आपके तो वो इग्नोर करना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है ठीक है तो उस बेसिक प्रॉब्लम्स को इस सुधार करने के लिए उस पर और अच्छा कमांड बनाने के लिए हमारे यहाँ रेगुलर बैचेस चल रही हैं ठीक है थीके? जो आपको नेट के लिए एनबीएचएम के लिए टीएफआर के लिए आईएससी के लिए सीएमआई के लिए पीएचडी इंटरव्यूज के लिए प्रिपेशन करवाई जा रही हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नाम लिख के नोबल फोरम 05 पर मेल कर दें समझ में आया नोबल फोरम जीरो फाइव एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस पर आप मेल कर दें अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ मैंशन कीजिएगा ताकि हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर पाए ताकि आपका बेसिक और अच्छा हो पाए और आप और कॉन्फिडेंट रहो और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बना पाओ ठीक है तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे तब तक आप एंजॉय करो बढ़िया से ओके okay?